वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हनी, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगी। तो आज मैं आपके लिए लाइक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल का रिव्यू। ऑयल का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भूल ना जाएँ, और सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी मज़ी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KCI फार्मा वालों की कैस्टर ऑयल का रिव्यू, जो आपकी स्किन हेल्थ, आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही मुफीद है। तो यही KCI वालों की कैस्टर ऑयल, KCI फार्मा वालों की कैस्टर ऑयल है ये। अप्रॉक्सीमेट जो है 120 ml है, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2019 की है, और आपने यूज़ करना है विद इन 3 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, सील पैक होती है, और आपको 98-200 rupees में मिलती है। वैसे है तो इसकी एक्चुअल प्राइस 98 rupees पाकिस्तानी, और अगर आपको कहीं और अगर इसमें मिले किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी फार्मेसी स्टोर से, तो हद से ज़्यादा 98-100 या 120 में आपको मिल जाएगी। और कैस्टर ऑयल क्या है? कैस्टर ऑयल आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट रखती है, हेल्थ का इशू अलग है। ये आपके हेयर लॉस रेमेडी के लिए बहुत मुफीद है, लॉन्गर लैशेस के लिए मुफीद है, सॉफ्ट लिप्स के लिए मुफीद है, स्मूथ करती है आपकी फीट को, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनकी फीट जो है वो ड्राई और क्रैक्ड होती है उनके लिए बहुत मुफीद है, रिड्यूस करती है सेलुलाइट को, सॉफ्ट हैंड्स के लिए मुफीद है, लाइटन करती है स्कार को, किसी भी किस्म का स्कार हो, एक्ने स्कार हो, स्कार्स हो, तो वो आप तो उसे जो है मिनिमाइज करती है। हेल्दी क्यूटिकल्स के लिए मुफीद है, फेड आउट करती है रिंकल्स को, थिकर आईब्रोज के लिए मुफीद है, फेड आउट करती है स्ट्रेच मार्क्स को, और हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही मुफीद है। और अगर आप अपनी एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑयल है, ऑयल ज़रूरी नहीं कि अगर एक्ने पे आप अगर अपनी ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके एक्ने को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएगी। अगर आपने एक्ने के लिए ट्रीटमेंट करना है तो आपने कॉटन स्वैब लेना है, इसमें कैस्टर ऑयल थोड़ा सा डीप आउट करना है, उसे अफेक्टेड एरिया में लगाएं और छोड़ दें, उसके बाद आप अपने फेस को जो है धो लें। 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपके एक्ने को रिमूव करेगी। और प्रिवेंट करना चाहते हैं अगर आप अपनी स्किन को फ्यूचर ब्रेकआउट से, तो आपने लिक्विड वाटर से नीम गर्म पानी से अपना फेस धोया या फिर 1-2 ड्रॉप इसे अप्लाई किया, और इसके बाद आपने अपना फेस जो है सुबह धो लेना है ठंडे पानी से, तो ये आपकी स्किन को प्रिवेंट कर देगी फ्यूचर ब्रेकआउट्स से। तो ओवरऑल आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, इवन सूदिंग करता है आपकी सनबर्न को। अगर आपकी स्किन जो है सनबर्न की वजह से जो है वो टैन हो गई है, तो आप कोकोनट ऑयल और इसका जो है ड्रॉप 1-2 ड्रॉप आपने इक्वल क्वान्टिटी में लिया, इसे मिक्स आउट किया और इसे अपने फेस में अप्लाई करिए, जो सन टैनिंग को भी रिमूव करेगा आपके। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर लीजिएगा। अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।